जो हॉकर्स के लोग हैं, और अपने आप को बहुत सारे लोग यहाँ पटेल बन गए, बोले मैं तो हॉकर्स का प्रेसिडेंट हो गया, मैं हॉकर्स यूनियन का यू हो गया। अरे भाई ठीक है, आप हॉकर्स यूनियन के जिम्मेदार हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पीला पट्टा है उसके आगे आप दुकान मत लगाओ। पीले पट्टे के बाहर अगर हॉकर्स बैठेंगे तो शमीम खान अपने साथियों के साथ एएमसी साहब को लेकर के जगह पे खड़ा मिलेगा। मैं मुमरा कौसा की जानिब से सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सर ने हम लोगों को अपना कीमती वक्त दिया और मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर के वाई जंक्शन तक पूरा विजिट हुआ। एक एक जो इलीगल गैरेज है वहाँ पे गए साहब, जो टेम्पो इलीगल पार्किंग किए हैं वहाँ पे गए साहब, जो रिक्शा वाले गलत कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने बात किया, यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज पीआई से मैडम थी हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन की जो यहाँ के, और उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है डीसीपी साहब ने कि अगर कोई भी गलत तरीके की पार्किंग करेगा, ला करके टेम्पो रास्ते पार्क कर देगा, कोई भी ला करके गलत तरीके का वहाँ पे बाइक पार्क कर देगा, तो उसके ऊपर जो आरटीओ डिपार्टमेंट है आरटीओ के लोग भी कल से शहर में राउंड अप पे रहेंगे शहर को लेकर के, और यहाँ के जो रिक्शा यूनियन के लोग हैं उनसे भी विनती की गई है। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि टोटल मुमरा में एम गेट, उसके बाद में विट्ठल रोड, उसके बाद में नसीम बाग की गली, दरगाह रोड, उसके बाद गुलाब पार्क, उसके बाद में किस्मत कॉलोनी, उसके बाद में तनवर नगर, उसके बाद में कादर पैलेस, चांद नगर, अलमास कॉलोनी, और आगे आते हुए शिमला पार्क का जो तालाब वाली का इलाका है, फिर आगे आते हुए ये मित्तल रोड, और उसके बाद वाई जंक्शन, यहाँ पे टोटल जो भी 8 पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल लगाए जाएंगे, शाम 5 to 7 स्पेशल लगाए जाएंगे, ऐसा डीसीपी साहब ने आपके माध्यम से भी कहा है। और उसके अलावा भी वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक उनके ड्यूटी के हिसाब से वहाँ के कांस्टेबल डॉक्टर साहब तैनात रहेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने उनसे मांग किया है। मैं अपनी आवाम से भी कहना चाहता हूँ, रात के समय भी बात ये हुई है कि जो उनके एक कांस्टेबल हर नाके पे, टोटल हर नाके पे उनके एक एक कांस्टेबल खड़े रहेंगे। देखिए मुमरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ साथ में जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, आज हम जब चल रहे थे साहबुद्दीन भाई, तो हमें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब रोड पूरा खाली है, क्योंकि आज वहाँ पे एमसी साहब भी थे, आज वहाँ पे उनके ट्रैफिक इंचार्ज भी थे। तो इस तरीके से जो तमाम लोग हैं, मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि आप तो आप एक एएमसी है, मतलब असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है आप बालू पीटर साहब, आपके पास पेन है, अगर कोई आपकी जबान से नहीं समझता है तो उसे पेन से समझा दीजिए, पेन मतलब कानून, आप कानून से समझा दीजिए उसको, कानून की भाषा समझेंगे, वो जो हॉकर्स के लोग हैं, और अपने आप को बहुत सारे लोग यहाँ पटेल बन गए, बोले मैं तो हॉकर्स का प्रेसिडेंट हो गया, मैं हॉकर्स यूनियन का यू हो गया। अरे भाई ठीक है, आप हॉकर्स यूनियन के जिम्मेदार हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पीला पट्टा है उसके आगे आप दुकान मत लगाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि किसी की दुकान के लाके सामने हॉकर्स को मत बिठाओ, अगर किसी की कोई दुकान है ऐसा मत करो। इन तरीके से अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टी ने दिया है या किसी नेता ने दिया है या हमारे में से कोई साथी हमारा हो, तो उसका ये फर्ज बनता है, इखलाकी फरीजा बनता है कि आप इन चीजों को ध्यान दो। पीले पट्टे के बाहर अगर हॉकर्स बैठेंगे तो शमीम खान अपने साथियों के साथ एएमसी साहब को लेकर के जगह पे खड़ा मिलेगा। आपके माध्यम से एकदम साफ कहना चाहता हूं मैं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मत समझे, फिर कानून जिंदा उसके लिए।